आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीसी न्यूज लाइट। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों को पूर्ण करने के निर्देश। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने दिए निर्देश। प्रशासन शहरों के संग शिविर 2 अक्टूबर से। जिनके मकान का कोई मालिकाना पट्टा नहीं है, ऐसे लोगों को अभियान में पट्टे प्रदान किए जाने का कार्य होगा। चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम घोषित। जूनियर वर्ग में तन्वी जादू और सीनियर वर्ग में अंकित पंचाल रहे प्रथम। गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। गर्भवती महिलाओं को भी दी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन। डूंगरपुर में कोरोना पीड़ित परिवार को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का लोन व 1 लाख रुपए अनुदान राशि के लिए शिविर 29-30 जून को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डूंगरपुर लॉ कॉलेज पर लगी रोक हटाई। इसी सत्र से बैच शुरू होने की उम्मीद, छात्रों को होगा फायदा। कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स करेंगे मैराथन। डॉक्टर्स मैराथन को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला द्वारा हरी झंडी दिखाकर वैक्सीनेशन जागरूकता के लिए रवाना किया जाएगा व संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए आम जन को संदेश दिया जाएगा। डूंगरपुर के व्यापारी 3 घंटे अधिक खोल सकेंगे अपनी दुकान। 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन होने पर डूंगरपुर के व्यापारी अपनी दुकान शाम 7 बजे तक खोल सकते हैं। कल दिनांक 30 जून 2021 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता डूंगरपुर में पैर छंगाई कार्य के चलते 11 केवी फीडर घांटी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जैसे फौज का बडला, खाड़िया, मदार कॉलोनी, नाहर मगरा, मदार फली, हाजीपुरा, चमनपुरा आदि क्षेत्रों में कल दिनांक 30 जून 2021 को प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी पाने वाली चौथी कोविड-19 वैक्सीन बनी मॉडर्ना। आज डूंगरपुर में कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव नहीं आया। डूंगरपुर में एक्टिव केस की संख्या केवल 2 है। डूंगरपुर से जुड़े पूरे दिन के अपडेट रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।